क्लास 6A। कल हमने यूयम और वयम इस पार्ट की हिंदी समझी थी और हमने आपको ये बताया था कि यूयम के साथ में मध्यम पुरुष बहुवचन तथा वयम के साथ में उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है और इसकी मैंने आपको हिंदी भी समझाई थी। तो आज हम इस पाठ के वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज वर्क देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। अध्या आज जन्मदिवस उत्सव जन्मदिवस का उत्सव। अस्ति है रमेशः लड़के का नाम। जनकः पिता। अम्बा माँ। अर्चना लड़की का नाम है। बदंती बोलते बोलती हैं। वयम हम सभी। स्वागतम स्वागत। कुर्मः करते हैं। तत्र वहाँ बालकः लड़के। गायन्ति गाते गाती हैं। बालिकः लड़कियाँ। नृत्यन्ति नाचते नाचती हैं। जनः लोग परस्परम आपस में। किम क्या। यूयम तुम सब। न नहीं नित्य था नाचते नाचती हो। गायामः गाते गाती हैं। भोजनम भोजन को। कुर्था करते करती हो। अधुना इस समय। कदा कब। यदा जब। तदा तब। गायथा गाते गाती हो। आम हाँ। भजना भजन को। प्रणमा प्रणाम करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। पुनः फिर से। मिलामः मिलते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को अभी बताए थे वर्ड मीनिंग। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसको एक्सरसाइज वर्क। एक्सरसाइज वर्क सबसे पहला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग अपने साथ में पेन या पेंसिल रख के और कॉपी रख के बैठिएगा जिससे आप लोग अच्छे से समझते जाएं और लिखते जाएं। वैसे मैंने इसको होमवर्क में भी मैंने डाला हुआ है लेकिन आप फिर भी रख के बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। कोष्ठक स्थित धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जैसे आपको उदाहरण दे रखा है यूयम भोजनम कुरुत। तुम सब भोजन करते हो तो ब्रैकेट में दे रखी है आपको क्र धातु। तो क्र के लिए हम लोग क्या करेंगे कुरुत लगाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से अब देखेंगे क वयम ना लिख है लिखामः। राइट हियर लिखामः। ख यूयम ना पढ़ता तो दे रखिए ना ब्रैकेट में तो लिखिए प ठ थ। प ठ थ। बिशाक नहीं लगाना। नेक्स्ट ग वयम ग्रहम गम दे रखी है तो गच्छामः। इधर गच्छामः में बिशाक लगानी। गच्छ अदच्छा छामः गच्छामः। नेक्स्ट ग वयम खेल धातु दे रखी है ना तो लिखेंगे खे ला महा। खे ला महा। नेक्स्ट यूयम जला पा धातु दे रखिए इसका मतलब पीना तो यूयम जला पिबत। विसर्ग नहीं लगाना पी वहां पे छोटी की मात्रा लगानी है आपको पिबत। देखा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, शुद्ध वाक्य लिखिए। आपको उदाहरण दे रखा है, शुद्ध वाक्य है युजम भोजनम कुरु, यह शुद्ध है। इसके क्योंकि था वाला बताया था, तीते अंति चीता था, अमिया वामा मैंने आप लोगों को पिछली बार समझाया था, तो इसमें तो था ना था, तो इसलिए युजम भोजनम कुरु थी। यह आपको उदाहरण दे रखा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कब, युजम ना नित्यसी, तो युजम ना तो आप इससे बुक से देख के लिखिए, युजम ना नित्य था, नित्य था, विसर्ग नहीं लगाएंगे था पे, नित्य थ। सेकंड वन वयम ना नित्य थ, तो वयम तो बहुवचन और उत्तम पुरुष आ गया, तो वयम ना नित्यामः, क्वेश्चन में से लिखना वयम ना, तो वहीं से लिखा और नित्य था की जगह आपने लगा दिया नित्यामः, आपका वाक्य शुद्ध हो गया। नेक्स्ट ग, वयं गायामि, आंसर लिखेंगे वयं गायामः, माँ के बाद में विसर्ग लगाएंगे, तो वयं गायामः। घ, वयं भोजनं कुरुत, आंसर लिखेंगे वयं भोजनं, दर्शी देख के लिखो बुक से ही, वयं भोजनं कुर्मः, कुर्मः, काफी छोटी की मात्रा लगाना और माँ के ऊपर रा चढ़ाएंगे, देन विसर्ग लगाएंगे, वयं भोजनं कुर्मः। अंगा, यूयं पुनः मिलामा, आंसर लिखेंगे यूयं पुनः, क्वेश्चन से लिख लिया और मिलामा की जगह आपको लिखना है मिलत, यूयं पुनः मिलत, लिखा। नेक्स्ट वन हम लोग थर्ड की उस पर एक्सरसाइज पे चलते हैं कि निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए, यूयं नित्यथ, तो इसको हम किससे करेंगे, गर्ल्स का जो है उससे हमको इसको मिला देना है, यू या नित्यथ। सेकंड वन वयम गायामः, वयम गायामः, वयम गायामः। थर्ड यूयं भोजन कुरुत, आप देखिए भोजन कहाँ किया जा रहा है उससे लगा लीजिए आप, यूयं भोजन कुरुत। नेक्स्ट वयं प्रणमामः, तो जहां ये बच्चे प्रणाम कर रहे हैं ना उस चित्र को देखेंगे और उससे प्रणमामः से मिला। नेक्स्ट वयं गृहं गच्छामः, तो ऊपर सबसे ऊपर चले जाएंगे हम, वयं गृहं गच्छामः, इस पर हम कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा मैच द फॉलोइंग जो होगा वो हमारा, अगर हम नंबर डालते हैं तो 5 3 4 1 2, आप लोग बुक में इस तरीके से डाल लीजिए, नंबर डाल लीजिए 5 3 4 1 2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4, उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बयम के साथ में मह लगा रहे हैं और यूयम के साथ नित्य लगा रहे हैं, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम वयम के साथ वाले को लगा लेंगे तो हमारे पास बहुत हमारा काम इजी हो जाएगा। तो देखिए छांटते जाइए, वयम नित्यामः, गायामः,
कुर्मः प्रणमामः मिलामः तो देखिए फिर से देख लीजिए नृत्यामः गायामः कुर्मः प्रणमामः मिलामः। अब रह गए केवल हमारे यूयम के। यूयम में था वाले देख लीजिए नेत था कुर था गाय था आगच्छत मिलत। तो इस तरीके से हमारे हो गए नेत्यत कुरुत गायत आगच्छत मिलत। ये अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में हमारी लास्ट हमारी एक्सरसाइज आ रही है बहुवचन में लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से कीजिएगा। बहुवचन का मतलब आपको बहुवचन की ही क्रिया लगानी है। तो जैसे उदाहरण दे रखा है अहम गच्छामि, तो अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम होगा, तो वयम गच्छामः। इसी तरह से आप देखिए क तुम पढ़ती, तुम का बहुवचन क्या हो जाएगा? यूयम। तो यूयम पठथ, यूयम पठथ, विषम मत लगाना। नेक्स्ट ख अहम पश्यामि, अहम का बहुवचन क्या बताया था मैंने अभी ऊपर बताया था? वयम। तो वयम पश्यामः, वयम पश्यामः। ग तुम लिखसि, तुम का फिर हमारा वही हो जाएगा यूयम, यूयम लिखता, बहुवचन की क्रिया लगाएंगे तो यूयम लिखता। घ अहम चलामि, अहम का हम करेंगे बयान, तो लिखिए बयान और बहुवचन की क्रिया क्या होगी? चलामः, बयान चलामः। अंग तुम बदसि, अब तुम क्या है? एक वचन है, उसको बहुवचन मिलेंगे तो क्या होगा? यूयम। तो यूयम और बहुवचन की क्रिया क्या होगी? बदत हो जाएगा, तो यूयम बद्ध। सी अगेन, तुम पठसि यूयम पठत, अहम पश्यामि वयम पश्यामः, तुम लिखसि यूयम लिखत, अहम चलामि वयम चलामः, तुम वदसि यूयम वदत। ओके, नेक्स्ट टुमोरो आई विल कंटिन्यू चैप्टर 1-4 डिवीजन वर्क। आप लोग पढ़ के देखिएगा, आपको चैप्टर सारे समझ में आए हैं, नहीं आए तो मैं उनका आपको रिवीजन वर्क दूंगी। ओके, हैव ए नाइस डे।